आपको क्या लगता है, हर एक इन्फ्लुएंसर बिल्कुल मस्त ड्रेस सूट बूट में रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, हम दिखाते हैं सच्चाई, और सच्चाई ये भी है कि हम ऐसे भी रहते हैं घर पे। लेकिन बहुत दिनों से ऐसे था क्योंकि टाइम बहुत कम था, एडिटिंग चालू थी, वीडियो एडिटिंग। तो अब हम जा रहे हैं अपने आप को हैंडसम बनाने, अपने आप को स्मार्ट बनाने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे कैरेटिन कराने, तो स्मूदनिंग कराने। उसके साथ साथ हम एक और चीज़ कराने वाले हैं, हेयर कलर। तो हेयर कलर जो करवाने वाले हैं वो होगा सिंपल, एक यहाँ पर हाईलाइट होगा, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जब बाल खड़ा करूँगा और ऐसे ऐसे करूँगा तो वो वाइट हेयर भी हल्के हल्के दिखेंगे। तो आप समझ सकते हो मेरा इमेजिनेशन पावर, तो वही चीज़। अब मैंने कराया नहीं, हम लोग कराएंगे इसी वीडियो में, और बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, तो अंत तक देखना, अंत तक। जैसे कि आउटफिट चेंज हो गया है, लेकिन अपना लुक भी चेंज करना है, और जो हेयर कट मैं कराने वाला हूँ एक नंबर हेयर कट है, तो आप लोग ज़रूर फुल तक देखना वीडियो। तो हम लोग सबसे पहले कराएंगे हेयर कट, फिर कराएंगे कैरेटिन, फिर कराएंगे हेयर कलर। हेयर कलर थोड़ा सा सिर्फ सामने, तो हेयर कलर्स में अभी आ चुके हैं, देखते हैं कैसे लुक। हेयर कट इज डन, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा अलग लुक, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जो भी है बहुत, मतलब मैंने स्मूदिंग नहीं कराया क्योंकि वो ज़रूरत नहीं था, तो स्मूदिंग इज कैंसल और सिंपल हेयर कट रखा गया है इसे। चेंज, सब कुछ चेंज, और अभी हम आ रहे थे थोड़ा काम से, और कुछ बताना है आपको। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई आपने बोला था KTM 250 लेना है, लेकिन लिए नहीं आप। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, मेरी बहन की शादी है, मेरा घर बन रहा है, तो सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ वीडियो में ऊपर की बैकग्राउंड, तो वो मेरा नया घर है और वो मैं बना रहा हूँ अपने खुद के पैसों से, और बहन की शादी है, मैं तो बहन की शादी भी करा रहा हूँ 90% खुद के पैसे से। तो ये चीज़ है, इसके वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो शादी है दिसंबर में, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम ले लेंगे अपना KTM 250। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइम पर स्टाइल में वीडियो बन रहा है, और बहुत हो गया, घर पहुँच चुके हैं, बहुत थक गया हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा काम किया है आज। I'm a hard working guy। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा कैमरा ख़राब हो गया, इसलिए मैं GoPro Hero 7 Black से शूट कर रहा हूँ, और इस लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल गंदा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो लो लाइट में अच्छा नहीं करता, और लाइट में बहुत ज़बरदस्त करता है, तो वही प्रॉब्लम है। और पता नहीं ऐसा कैसा फुटेज आ रहा है, जो भी आए देना तो पड़ेगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमें जाना है सर्विस सेंटर कैमरे को ठीक कराने, तो उसके लिए बने रहो। बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, वीडियोस लेट आएंगे बट बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आएंगे, जिसको आप देख के बोलोगे वाह।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।